हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ही गार्डन। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मोगरा का प्यारा सा फूल खिला हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को मैंने मोगरा का प्लांट पहले भी शेयर किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये खिला हुआ है आज ये फूल। तो फ्रेंड्स मैंने ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि जिनको भी खुशबू बहुत पसंद है तो वो लोग मोगरा के प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर से लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स इससे तो इतनी खुशबू आ रही है, जब से ये एक ही फ्लावर खिलाया भी है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मोगरा का प्लांट फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस का कटिंग जो मैंने लगाया था ये सब ग्रो हो रहा है। तो फ्रेंड्स मोगरा के प्लांट को जब आप लगाएँ तो गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिक्स करके लगाएँ इसकी कटिंग। तो थोड़ी सी हार्डी आपने कटिंग लेनी है, या फिर आप एक नर्सरी से इसका तैयार जो बिल्कुल तैयार प्लांट होता है वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मोगरा को ज़रूर से अपने गार्डन में लगाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे तो इतने छोटे गमले में लगा हुआ है ये, अभी मैं बाद में इसको रिपोर्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मोगरा बिल्कुल ग्रीन प्लांट और देखिए कितने सुंदर इसमें वाइट फ्लावर के खिला हुआ है। तो आप लोग भी मोगरा के प्लांट को ले लीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये तो मैक्सिकन पिटोनिया में फ्लावर आ रहे हैं, और ये देखिए ये एस्पेरिगस, और ये सब कटिंग जो फ्रेंड्स मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं जब बास्केट लगाई थी, तो सारी कटिंग अब चल गई हैं क्योंकि आजकल थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो ये देखिए सब में न्यू लीव्स आने लगे हैं। ये तो थूजा का प्लांट्स फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हाँ, मुझे आप लोग के साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्रेंड्स यही नर्सरी से खीरे के बीज थे, तो ये देखिए ये मैंने लगभग 4 सीड ये ग्रो किए थे, बट इसमें से ये 2 ही प्लांट हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी नर्सरी से पूछ के, और ये पॉट में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स करेला मैंने आपको दिखाया है, तो अगर वो हो जाएगा तो ये भी हो गया है, तो ये भी ज़रूर से हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और आप लोग मोगरा के प्लांट को कटिंग के थ्रू, या कहीं ये फ्रेंड्स बड़े जो पार्क होते हैं वहाँ पर भी इसके बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लगाएंगे तो वो ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, मोगरा के प्लांट को लगा के, और इसकी सॉइल थोड़ी वेल ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स इसमें वो मैं हर पॉट के लिए बोलती हूँ कि ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि प्लांट जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक चीज़ और है, अरबी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी जब मैंने लगाई थी, तो इसमें भी न्यू प्लांट आने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी छोटी छोटी कटिंग है, जहाँ से भी आप लें तो, या शेयर कर लें आपस में फ्रेंड्स लोग, तो लगा लेनी है छोटी छोटी कटिंग आजकल, क्योंकि आजकल थोड़ी नमी में रहती है, मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है वो थोड़ी नमी वाला रहता है, तो उससे ये जो हम कटिंग ग्रो करते हैं वो इजी टू ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो आप लोग मोगरा के प्लांट को ज़रूर से लगा लीजिए। और इसमें फ्रेंड्स आपने क्या करना है, साल में 2 बार इसमें आपने कंपोस्ट डालनी है, जो मैं तो फ्रेंड्स आपको पता ही है घर की बनी कंपोस्ट डालती हूँ, तो आप वो भी डाल सकते हैं जो आप ख़रीदते हैं, तो वो वाली भी डाल सकते हैं, पर 2 बार आपने डालनी है। और फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल अच्छे अच्छे आपको मोगरा के प्लांट में फ्लावर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए एक सदाबहार का प्लांट भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है कि मोगरा के प्लांट को जब आप थोड़ी इतना ध्यान रखना है, जब इसको लगाएंगे आप तो थोड़ी सी अच्छे बड़े पॉट में लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत फ्लावरिंग वाला प्लांट है और इसमें अच्छे फ्लावर आपको मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ग्रीन आजकल हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोकोपीट में और मिक्स थोड़ी सी सॉइल भी इसमें मैंने मिलाई थी जब ये लगाया था। तो आप लोग भी मोगरा के प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए अपने गार्डन में। थैंक यू फ्रेंड्स।